तो भाई गर्मी का मौसम है और मेरी फेवरेट लस्सी वाला मौसम आ गया। लस्सी आप में से किस किस को अच्छी लगती है? मुझे भी गर्मी में तो हर कोई पीना चाहता है अपने अपने इलाके की फेवरेट लस्सी बता दो भाई। हमारे यहाँ मक्खन वाली लस्सी, मुझे लगता है हमारे यहाँ अलग नहीं होती, लस्सी बनने के बाद अलग से मलाई ऊपर डाली जाती है, सो दैट इज सेम। हमारे यहाँ पेड़े वाली लस्सी के साथ साथ एक फ्रेग्रेंस होती है, वो हमारे यहाँ डाली जाती है मथुरा में। हाँ, केवड़ा होता है शायद, केवड़ा फ्लेवर। हाँ फ्लेवर, हमारे यहाँ पर छाछ या मीठी लस्सी, छाछ या मीठी लस्सी। लेकिन आपने लस्सी का फ्यूजन सुना है, मेरे मुंह में पानी आ गया। एक्चुअली लस्सी की 25 से ज्यादा वेराइटीज, आप सही मायने में कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सीधा आपको जयपुर लिए चलती हूँ और वहां से अदिति हमको बताइए कि क्या क्या खास है इसमें। यहाँ देश में आजकल स्टार्टअप्स का दौर जो चल रहा है, तो युवा पढ़ाई लिखाई के साथ अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही दो दोस्तों ने जयपुर में फ्यूजन लस्सी के नाम से अपना स्टार्टअप शुरू किया है। मई के इस महीने में कभी धूप तो कभी छांव है, मानो मौसम ने कंफ्यूज कर रखा हो। सिर्फ मौसम ने ही नहीं बल्कि जयपुर में दो दोस्तों ने भी लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। दरअसल जयपुर के मानसरोवर पार्क के पास केवल और हर्ष नाम के दो दोस्तों ने पढ़ाई के बाद लस्सी का स्टार्टअप शुरू किया है, जहां कई तरह की लस्सी बनाई जा रही है। सबसे खास बात तो ये है कि इस शॉप का नाम फ्यूजन लस्सी रखा है। जब भी कस्टमर उसको जब खाएगा या पिएगा तो वो खुद कंफ्यूज रहेगा कि मैं खाऊं या पीऊं, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा है कंफ्यूजन लस्सी, कि कस्टमर पिए तो वो खुद बोल जाए कि वो खुद कंफ्यूज हो जाए कि मैं कंफ्यूज हो गया, वो क्या है ये। हर्ष और केवल ने खुद लस्सी की वैरायटी इजाद की और कीवी, मैंगो, गुलकंद, मिक्स फ्रूट और चॉकलेट समेत 25 वैरायटी से लस्सी के स्वाद में और भी मिठास घोल दी है। अपने रियल चीजें अपने काम में लेते हैं, इसमें कोई एसेंस या फिर कोई ऐसा नहीं है कि अपन केमिकल्स काम में लेते हैं। रियल अपन खुद दही जमा के इसकी डेली बेसिस पे, और उसके अंदर ही फिर अपन चीनी और कोई कोई केमिकल नहीं मिलाते अपन, उसके अंदर रियल फ्रूट्स अपन और ड्राई फ्रूट भी अच्छी क्वालिटी की जो है वो अपन काम में लेते हैं। जयपुर की भीषण गर्मी में फ्यूजन लस्सी का लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं। स्वाद के साथ साथ यहाँ सेहत का भी ख्याल रखा गया है और डायबिटीज के मरीजों के लिए शुगर फ्री लस्सी भी मौजूद है। यहाँ की गुलकंद लस्सी मैंने अनलिमिटेड टाइम्स पी रखी है, और यहाँ की जो गुलकंद लस्सी है इसमें प्योर और ओरिजिनल गुलकंद का स्वाद आता है एकदम, और इस जो क्वालिटी है ना, ये मेरे को और कहीं जयपुर में कहीं देखने को नहीं मिली आज तक, तो इसीलिए मैं इनका परमानेंट कस्टमर हूँ और आते रहते हैं, और यहाँ पे ये लोग लस्सी पिलाते रहते हैं, इसीलिए हर दिन नई कोई तरह की लस्सी पीते हैं हम। यहाँ एक कप लस्सी में करीब 4 से 5 तरह के फ्लेवर होते हैं, जिससे लोग कन्फ्यूज भी हो रहे हैं। आप यहाँ पर आकर फ्यूजन लस्सी पर कन्फ्यूज हो सकते हैं, मैं भी कंफ्यूज हुआ था, और ऐसे आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जयपुर में पहली बार इस तरह की लस्सी इतनी वैरायटी के साथ मिल रही है। हर्ष और केवल की मेहनत रंग लाई और आज जयपुर में हर किसी की जुबान पर फ्यूजन लस्सी का नाम है। जयपुर से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।